वादी कश्मीर में चिनार बुक फेस्टिवल और चिनार बुक फेस्टिवल का एक जबरदस्त इनिशिएटिव ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। 17 तारीख से लेकर 25 तारीख तक ये ग्रैंड एग्जीबिशन जो है किताबों को लेकर पहली बारी कश्मीर में देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि इस एग्जीबिशन के साथ साथ कई सारी चीजें जो है वजूद में लाई गई है, जिसमें यहाँ का कल्चर, तमद्दुन, तहजीब, सकाफत की बात की जा रही है। जैसे आप देख रहे होंगे कि बच्चे स्कूल से यहाँ पर आए हुए हैं, जिन्होंने मल्टीपल डायमेंशन से कश्मीरी कल्चर को रिवाइव किया है। अगर आजकल के दौर की बात करें कि हम एक मॉडर्न एज में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर तकरीबन 40 से 50 साल पहले की अगर बात करें तो कश्मीर के साथ साथ इन सारी चीजों को देखा जाता था और परखा जाता था, मगर आजकल के दौर में जबकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, मगर इन सारी चीजों को याद भी किया जाता है। साथ ही साथ बुक को लेकर बात करें तो किताबों के साथ साथ जो पढ़ने लिखने का माहौल है, यहां पर एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाएंगे कि पहले जमाने में किस तरीके से यहां पर जी हां क्लास वर्क होता था या स्कूल लगता था, पाठशाला लगती थी। तालीम के साथ साथ बात करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मशक और जी हां कलम का इस्तेमाल होता था, और उसके बाद जी हां तकरीबन ये भी हम मान के चले कि आज इन सारी चीजों को जरूर याद किया जाता है, क्योंकि अब ये चीजें एंड्रॉयड लैपटॉप, आईपैड्स या फिर कह सकते हैं कई चीजों के साथ दिखाई नहीं देती है। मगर कश्मीर के साथ साथ जबकि हम इन सारी चीजों को लेकर बात करते हैं, तो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी आपको अलग अलग पहलू से इस वक्त इस ग्रैंड एग्जीबिशन की अक्सबंदी करके दिखा रहे हैं, जिसमें आपको खास तौर पर पता चल रहा होगा कि एक साइड से बुक फेस्टिवल, एक बड़ा महाउत्सव, एक ग्रैंड महाउत्सव जो कि कश्मीर में हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ दुनिया भर की किताबें जो है यहाँ रखी गई है। मगर इसके बावजूद अगर बात करें तो अलग अलग स्कूलों से जो बच्चे यहाँ आए हैं, जिसमें कश्मीरी कल्चर के साथ साथ बात की जा रही है, यहाँ के तमद्दुन तहजीब की बात की जा रही है, इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि कश्मीर आज भी इन सारी चीज़ों को याद कर रहा है। मगर जिंदा मिसाल ये है कि आज भी वो बच्चे हमारे कश्मीरी कल्चर के साथ साथ अपनी खूबसूरत यादें गुजारना पसंद करते हैं, जिसे देखने के लिए आजकल की आंखें तरस गई है। जहाँ तक मेले का ताल्लुक है, मेले के साथ साथ हमने देखा कि कई सारे लेखक, कई सारे जी हाँ अदीब और कई सारे शोहरा इस फेस्टिवल में भी जुड़े हैं, मगर साथ ही साथ उनका ये भी मानना है, एक साइड से जिंदगी किताबों को लेकर बात करें तो कई सारे रंग ढाल देती है, मगर साथ ही साथ जब रंगों में इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो कह सकते हैं कि कश्मीर की याद और कश्मीर की खूबसूरत मिसाल आज भी दुनिया भर में कायम है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर।